हे गाइस, आईसेफ यानी कि इंटरेस्टिंग स्टोरीज एंड फैक्ट्स में स्वागत है आपका। फैक्ट्स वेरेवर यू सी। मैं हूं आपका होस्ट और नरेटर गुनूर तूर, और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसे डीमन की कहानी जिसके बारे में आपने पहले कभी भी नहीं सुना होगा। आज की हमारी वीडियो है फियरसम और पावरफुल डीमन पाजुजू पर। आखिर कौन था पाजुजू, क्यों लोग उसकी पूजा करते थे और कैसे बना वह एक पावरफुल डीमन? एवरीथिंग इन दिस वीडियो। अन्य रोमांचक स्टोरीज को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें एंड लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज वीडियो। पाजुजू, जिसे कि फाजुजू और पाजुजा, डार्क एंजल ऑफ फोर विंड और लोअर एरियल किंगडम्स का प्रिंस भी कहा जाता था, वह एक असीरियन बेबीलोनियन डेमोनिक गॉड था जो कि फर्स्ट मिलेनियम बीसी में सबसे लोकप्रिय था। वह अंडरवर्ल्ड के डीमंस के राजा हनबी, जो कि सभी इवल स्पिरिट्स पर राज करता था और जिसे हनबा भी कहा जाता था, का पुत्र और हमबाबा का भाई था। यहां पर बता दूं कि हमबाबा एक डीमन गॉड था जिसकी स्टोरी हम द एपिक ऑफ गिलगामेश में पढ़ सकते हैं। वह द सिडार फॉरेस्ट का प्रोटेक्टर था, जहां पर की सभी गॉड्स रहते थे और जिसे की हीरोज के द्वारा मार दिया गया था। पाजुजू, जो कि अंडरवर्ल्ड का डीमन था, की ओरिजिन समय के साथ साथ उलझी पड़ी है और बेबीलोनियन माइथोलॉजी, जहां पर की पाजुजू मूल रूप से उत्पन्न हुआ था, में शायद पाजुजू का अस्तित्व दानवीय था। बेबीलोनियन कल्चर में शायद डीमंस को एक ईवल एंटिटी माना जाता था, मगर इसका यह मतलब नहीं कि डीमंस केवल बुरे काम ही करते थे, और इसीलिए यह संभव था कि शायद पाजुजू एक प्रोटेक्टर स्पिरिट भी था। पाजुजू की हिस्ट्री प्रभावशाली क्षमताओं से भरी पड़ी है। वह एक प्राइमोडियल बीइंग था जिसे कि ओबिरिथ कहा जाता था, और यह भी माना जाता है कि वह अबिस के बनने से पहले ही मौजूद था। वह अबिस की पहली लेयर पर राज करता था, जिसे कि उसके ऑनर में पाजुनिया कहा जाता था। कुछ ऐसी भी स्टोरीज मिलती हैं जिससे पता चलता है कि अबिस की क्रिएशन के पीछे पाजुजू का हाथ था और उसने इस सभी के लिए गॉड थारिजुन को मैनिपुलेट किया था। पाजुजू की शक्तियां असंख्य और बेहद शक्तिशाली मानी जाती थी। कहा जाता है कि पाजुजू मूल रूप से वेस्ट और साउथ वेस्ट हवाओं को कंट्रोल करता था, और ये हवाएं द लैंड ऑफ डेड की ओर से आती थी। इन हवाओं के नियंत्रक के रूप में उसके पास किसी भी भूमि पर ड्राई सीजन में अकाल और रेनी सीजन में लोकस्ट जैसी प्रॉब्लम्स को लाने की शक्ति थी, और वह अपनी सांस से एसिडिक वेस्ट वाले क्लाउड्स बनाने में भी सक्षम था। उसके पास ब्लाइंड साइट के साथ साथ लो लाइट विजन जैसी पावर्स थी, और वह कई लैंग्वेजेस भी जानता था। इसी के साथ उसके पास टेलीपैथिक एबिलिटीज भी थी। पाजुजू के पास एक महान जादुई तलवार थी जो उसे प्रभावशाली एजिलिटी और स्पीड प्रोवाइड करती थी। कहा जाता है कि जहां पर वह इन विनाशकारी शक्तियों से कई खतरे लाता था, वहीं पर वह इन सभी के खिलाफ सबसे अच्छा बचाव भी माना जाता था। कई लोग उसको पूजते भी थे, और इजिप्शियन गॉड सेट के सम्मान पाजुजू के लिए प्रार्थनाओं का उद्देश्य उसके प्राकृतिक झुकाव को विनाश की ओर से मोड़ना था, ताकि वे अपने फॉलोअर्स की सुरक्षा कर सके। पाजुजू अनुनाकी देवताओं का सदस्य था। इसी के साथ वह सेबेतु ग्रुप का हिस्सा माना जाता था, जो कि वॉर गॉड नरगल के फॉलोअर्स थे, और नरगल किसी क्षेत्र को युद्ध में नष्ट करने के बाद उनकी शक्तियों के साथ वहां पर फेमिन और डिजीज फैला देता था। पाजुजू वर्तमान समय का सबसे प्रसिद्ध डीमन है, और वह केवल एक ही ऐसा मेसोपोटामियन डीमन है जिसके बारे में लोगों ने सुना है। स्कॉलर स्टीफन बर्टमन का कहना है कि पाजुजू को हॉलीवुड में भी प्रदर्शित किया गया था, और वही वह मेसोपोटामियन डीमन था जिसे कि द एग्जॉर्सिस्ट मूवी में दिखाया गया था, और मूवी में उसने लिंडा ब्लेयर के कैरेक्टर को पोसेस किया था। इसी के साथ मूवी में उसे क्रिश्चियन सैतन और इवल फोर्सेस के साथ जोड़ा गया था। हालांकि पाजुजू को एंशियंट मेसोपोटामिया में कभी भी अच्छे सुपरनेचुरल बीइंग्स में नहीं माना जाता था,
और उसे एक बुरे डीमन के रूप में देखा जाता था, मगर फिर भी वह बुराई का अवतार नहीं था और उसे अक्सर बुराई से बचने के लिए पुकारा जाता था। वह प्रेग्नेंट वुमेन और बच्चों को डीमन गॉडेस लमाश्तु, जो कि अनबॉर्न और न्यूली बॉर्न बेबीज का शिकार करती थी, से बचाता था। हम सब जानते हैं कि आधुनिक समय में डीमन शब्द का अर्थ है बुराई, लेकिन प्राचीन दुनिया में ऐसा नहीं था। अंग्रेजी शब्द डीमन ग्रीक शब्द डेमोन का अनुवाद है, जिसका सीधा अर्थ है स्पिरिट। एक डेमोन अच्छा या बुरा हो सकता है, मगर ये उसके इरादों और मुलाकात के परिणामों पर निर्भर करता है। प्राचीन मेसोपोटामिया में प्राचीन दुनिया की अन्य संस्कृतियों की तरह लिखतों में ये लिखा गया है कि राक्षसों को अक्सर देवताओं द्वारा पाप करने वालों को सजा देने के लिए भेजा जाता था, या अपने समुदायों में लोगों को देवताओं के प्रति उनके कर्तव्य को याद दिलाने के लिए भेजा जाता था। दानव हमेशा बुरे नहीं थे, और यहां तक कि जो पाजुजू की तरह थे वह भी अच्छे काम करने में सक्षम थे। अकेरियन बेबिलोनियन मिथिहास की लिखित अत्रहासिस के अनुसार धरती पर इंसानों की गिनती बेहद ज्यादा बढ़ने लगी और वे बहुत शोर मचाने लगे थे। उस समय के इंसान लंबे समय तक जीवित रहते थे और वे प्रजनन क्षम में इतने बढ़ चुके थे कि मरने वालों की तुलना में अधिक बच्चे पैदा हो रहे थे। वह सारी पृथ्वी को ढंक रहे थे और अपने शोरगुल के साथ वह भगवान एनलिल को इस कदर परेशान कर रहे थे कि एनलिल उन्हें एक महान बाढ़ में नष्ट करने का फैसला करता है। और जब सब इंसान खत्म हो जाते हैं और बाढ़ का पानी कम होने लगता है, तो ज्ञान का देवता एनकी पृथ्वी को फिर से आबाद करने का प्रस्ताव सब देवताओं के आगे रखता है। वह बताता है कि वह एक ऐसे इंसान का निर्माण करेंगे जिसका कि जीवन काल कम होगा और रोजमर्रा की जिंदगी में वह इंसान कई खतरों का सामना करेगा। इसके बाद देवताओं ने इंसान को रोग, गर्भपात, नपुंसकता, बांझपन, जंगली जानवरों के हमले और अन्य कई प्रकार की मुश्किलों से भरा जीवन दिया। इसी प्रकार डीमंस भी इसी ईश्वरीय योजना का हिस्सा थे और भगवान ने उन्हें दुष्टों को दंड देने, धर्मी की परीक्षा लेने के लिए भेजा था। और इसी प्रकार डीमंस को किसी इंसान को पीड़ा देने के लिए भी भेजा जाता था। जब एक देवता ऐसा महसूस करता था कि ये उचित है, भले ही दूसरे देवता इस बात से असहमत हों। सेक्सुअल इंटरकोर्सेस और फर्टिलिटी में इंटरफेयर करने वाले डीमंस इंसानों के लिए बेहद ज्यादा पीड़ादायक थे। इन सभी डीमंस में वेल नोन था डीमन सम्माना, जो कि एक सुमेरियन था। अपने ड्रैगन के दांतों वाले मुख, ईगल के पंजों और स्कॉर्पियन टेल के साथ सम्माना एक फियरसम डीमन था। वह युवा लड़कियों के मेंस्ट्रुएशन और युवा लड़कों की जनन क्षमता को रोकता था। इसी के साथ वह क्रॉप्स, लाइफ स्टॉक, शिशुओं और प्रोस्टिट्यूट्स को भी नुकसान पहुंचाता था। ऐसी खतरनाक और विनाशकारी शक्तियों वाले दानव को देवताओं के द्वारा पहले ही रोक दिया जाना चाहिए था, मगर वह ऐसा ना कर सके क्योंकि सम्माना को हेल्थ और हीलिंग की गॉडेस गुल्ला का एजेंट कहा जाता था, और गॉडेस गुल्ला ही सम्माना को इंसानों को तंग करने के लिए भेजती थी ताकि इंसान उसके पास मदद के लिए आने के लिए मजबूर हो जाएं। इस बात से यह स्पष्ट था कि इंसान को किसी भी समय किसी देवता या दानव के द्वारा किसी एक्सक्यूसिट या मंडेन टॉर्मेंट का निशाना बनाया जा सकता था, मगर इस टॉर्मेंट के पीछे के रीजन हमेशा स्पष्ट नहीं होते थे। स्कॉलर ग्वेंडोलिन लीक ने अपनी शोध में यह लिखा कि इंसानों की सेक्सुअल लाइफ वेंजफुल गॉड्स और खतरनाक डीमंस की शक्तियों से संभावित खतरे में थी। और अगर हम अत्रहासिस की कथा का अनुसरण करते हैं तो हमें पता चलता है कि गॉड्स के द्वारा कामुकता को विशेष रूप से टारगेट किया जाता था, क्योंकि प्रजनन और जनसंख्या का आकार इसी पर आधारित था। इंसानों की सेक्सुअल लाइफ को टारगेट करने से देवता अपने समुदायों को एक प्रबंधनीय आकार में रख सकते थे। इस तरह के हमलों से खुद को बचाने के लिए इंसानों के पास एक ही रास्ता था, और वह ये था कि वह सम्मान शक्ति वाले किसी डीमन की खोज करते
जो कि इंसानों और देवताओं के क्रोध के बीच एक ढाल के रूप में खड़ा हो पाता। और ऐसे ही डीमन की खोज की गई जो कि प्रोटेक्टिव डेटीज में सबसे लोकप्रिय था, वह था पाजुजू, जिसे कि मुख्य रूप से लामाश्तु, जो एक दुष्ट देवी थी और जो चाइल्ड बर्थ के दौरान माओ और बच्चों को नुकसान पहुंचाती थी, से बचने के लिए एंशियंट लोगों ने एपोट्रॉपिक एमुलेट्स के द्वारा इन्वोक किया था। लामाश्तु को गर्भवती माताओं, अजन्मे शिशुओं और छोटे बच्चों के प्रति क्रोध के लिए जाना जाता था। ऐसा माना जाता है कि वह बच्चों का मांस खा जाती है और कभी कभी गर्भवती महिलाओं की मृत्यु का कारण बनती है। कुछ लेजेंड्स के अनुसार लामाश्तु कभी पाजुजू की प्रेमिका थी और ये तब समाप्त हुआ जब लामाश्तु ने पाजुजू को धोखा दे दिया। सजा के रूप में उसने दानव देवी को अंधा कर दिया और उसे अब्बिस की 503वीं परत में धकेल दिया, जिसे टोरेमोर के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पाजुजू गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों को लामाश्तु से बचाने के लिए आगे आता था, क्योंकि लामाश्तु ने उसके भरोसे के साथ विश्वासघात किया था, जिसके कारण वह उस पर गुस्सा था। मगर कुछ फिलोसफर्स का कहना था कि पाजुजू को अन्य डिजीजेस, इम्पोटेंसी और वेस्ट और साउथ वेस्ट विंड्स, जो कि द लैंड ऑफ डेड की ओर से बहती थी, के बुरे प्रभावों को रोकने के लिए भी इन्वोक किया गया था, क्योंकि पाजुजू खुद ही इन हवाओं को कंट्रोल करता था। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि पाजुजू साउथ वेस्टर्न विंड का वाहक था, इसी के साथ वह ड्राई सीजन में अकाल और रेनी सीजन्स में टिड्डियों के जैसे प्रॉब्लम्स को लाता था। मगर जो लोग पाजुजू की पूजा करते या उससे प्रार्थना करते थे, वह अक्सर ये मानते थे कि जब तक वह डीमन को उसकी पसंदीदा बलि देते रहेंगे और अपनी प्रार्थनाओं में सावधानी दिखाते रहेंगे, तब तक पाजुजू अपने क्रोध का इस्तेमाल उनके दुश्मनों के खिलाफ करता रहेगा। पाजुजू को एक बेहद भयानक डीमन के रूप में देखा जाता था, जो कि किसी भी छोटे डीमन या गोस्ट को डराने में सक्षम था। और अगर हम पाजुजू की शारीरिक बनावट की बात करें तो इतिहास के पन्नों में पाजुजू के अलग अलग विवरण मिलते हैं। कुछ ने कहा कि वह बहुत लंबा और अच्छी तरह से वेल पोर्शन्ड था, लेकिन उसमें ऐसे लक्षण भी थे जो डेमोनिक होने के लिए जाने जाते थे। कहा जाता है कि इन कहानियों में उसके पक्षियों के पैर थे, साथ ही उसके पास पंख भी थे जो तेल से ढके हुए होते थे और जिनमें से लगातार धुआं निकलता दिखाई देता था। उसके चेहरे को सुंदर कहा जाता था, हालांकि उसके मुंह की बजाय शिकारी पक्षी की तरह चोंच होती थी। अन्य रिकॉर्ड बताते हैं कि वह बेहद डरावना था। अभिलेखों से पता चलता है कि पाजुजू को अक्सर विभिन्न जानवरों और मानवीय भागों के संयोजन के साथ दर्शाया जाता था। पाजुजू का धड़ एक इंसान का होता था और उसका सर एक शेर या कुत्ते का होता था। उसके पैरों की जगह पर ईगल के पंजे होते थे। पाजुजू के पास दो जोड़ी पंख, एक बिच्छू की पूंछ और एक सर्पेंटीन लिंग था। प्रतिमा में अक्सर उसका दाहिना हाथ ऊपर और बायां हाथ नीचे होता था। एक ओबिरेथ के रूप में ये संभव है कि ये दोनों चित्र कुछ हद तक स्टीक हों। ये संभव है कि ये वह रूप थे जिन्हें पाजुजू ने प्रकट करने के लिए चुना, ताकि मोर्टल ह्यूमंस के लिए उसके रूप को समझना आसान हो सके। ऐसे ही द एग्जॉर्सिस्ट मूवी के ओपनिंग सीन में पाजुजू के लाइफ साइज स्टैचू को दिखाया है, जिसे कि एंशियंट सिटी हात्रा में प्रीस्ट के द्वारा खोजा गया था। मगर अगर हम द एग्जॉर्सिस्ट नॉवल को पढ़ें, तो उसमें ऑथर ने लिखा है कि प्रीस्ट पाजुजू की एक छोटी सी प्रतिमा को संभाल रहा था, जो कि एक्यूरेट भी है, क्योंकि जब हात्रा में खुदाई की गई थी तब वहां पर डीमंस की छोटी छोटी प्रतिमाएं ही मिली थी और कोई भी बड़ा स्टैचू सामने नहीं आया था और ना ही किसी बड़ी प्रतिमा के मिलने की संभावना है। अंडरवर्ल्ड से जुड़े डीमंस या डेटीज के चित्रण दुर्लभ हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि ऐसी छवि बनाने से कोई व्यक्ति विशेष उन डीमंस का ध्यान अपनी ओर केंद्रित कर रहा था। और यही कारण है कि क्वीन ऑफ डेड अश्कीगल की कुछ ही इमेजेस मिलती हैं।
हालांकि द बर्नी रेलिफ, जो कि द क्वीन ऑफ नाइट के नाम से प्रसिद्ध है, को भी इसके असली नाम से नहीं पुकारा जाता, भले ही ये अर्च कीगल से पूरन मेल खाती हो। लोग मानते थे कि क्वीन ऑफ डेड की प्रतिमा को बनाने वाला खुद को खतरे में डाल लेता था और कोई भी अर्च कीगल को नहीं मिलना चाहता था। पजूजू को दर्शाने वाले छोटे स्टैचुएट्स या एमुलेटिक चार्म्स भी ऐसा ही प्रभाव डालते थे। ये एमुलेट्स पजूजू का ध्यान उन्हें पहनने वाले या जिस कमरे में ये स्टैचुएट्स रखे गए थे पर केंद्रित करते थे, मगर उनके छोटे आकार के कारण वे पजूजू की शक्तियों को प्रोटेक्शन में तब्दील कर देते थे। किसी भी नश्वर मानव को इस डीमन पजूजू से डरने की कोई भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह उससे मदद मांगकर उसे सम्मान देते थे और वह अपनी डेमोनिक पावर्स को उन लोगों पर केंद्रित कर देता था जो उसके फॉलोअर्स को सताते थे, ना कि उस इंसान पर जिसने उसे बुलाया था। स्वाभाविक रूप से ही इन छोटे स्टैचुएट्स को बच्चों के कमरों में रखा जाता था, मगर इसके साथ ही उन्हें दरवाजों या खिड़कियों के पास भी रखा जा सकता था। पजूजू की इमेजेस या फिगरेंस वैसे ही काम करती थी जैसे कि निमरुद डॉग्स की प्रतिमाएं करती थी। इन छोटे डॉग स्टैचुएट्स को बिल्डिंग्स की दहलीज के नीचे दफना दिया जाता था या फिर एक कमरे में रख दिया जाता था और वह इंसानों को बुरी आत्माओं, डीमंस और गोस्ट से बचाती थी। माना जाता है कि निमरुद डॉग्स फिगरेंस असली डॉग स्पिरिट से जुड़ी होती थी, जो कि गॉडेस गुल्ला के साथ संबंध रखते थे, और इन जानवरों को मुख्य रूप से प्रोटेक्टिव एनिमल्स के रूप में देखा जाता था। और इसी तरह पजूजू की मूर्तियों ने भी इस डीमन को आकर्षित किया और उसकी उपस्थिति में उसके फॉलोअर्स सुरक्षित रहते थे। मगर फिर भी जब बात आती है किसी डीमन लॉर्ड से मदद मांगने की, तो ये तो निश्चित था कि डीमन लॉर्ड भी हेल्प के बदले में अपने फॉलोअर्स से कुछ मांगता होगा। और ऐसे ही पजूजू भी इनोसेंट और प्योर सोल्स को करप्ट करने का शौक रखता था। वह हर उस इंसान का शिकार करता था जो उसके पास मदद मांगने के लिए आता था, और उससे मदद लेने वाला अपनी अपील्स के लिए पछताता था। कहा जाता है कि पजूजू ऐसी हेल्प प्रोवाइड करता था जो कि बेनेवोलेंट दिखाई देती थी, मगर सीक्रेटली वह विक्टिम को मजबूर कर देता था कि वह डीमन लॉर्ड से और हेल्प मांगे। इस सभी के बाद वह उनको तब तक अपनी सर्विसेज के लिए कर्ज में डालता रहता जब तक कि वह उनकी सोल्स को पूरी तरह से करप्ट नहीं कर देता था। प्योर से भी प्योर सोल्स उसके फेवरेट प्राइजेस थे, और वह उत्सुकता से विक्टिम्स की सोल को करप्ट करता और फिर मरने के बाद वह उन्हें अब्बिस में अनंत पीड़ा की सजा देता। कहा जाता है कि पजूजू ने कई इंसानों को इम्दुगुड, पजरायल और टाइफून का रूप लेकर करप्ट किया था। वह उन लोगों की प्रार्थनाओं को स्वीकार करता था जो उसकी दया मांगते थे, और वह अक्सर इन विक्टिम्स का इस्तेमाल अपने नाम पर कर्ट्स और वर्शिप्स को फैलाने में करता था। लोगों का मानना था कि अगर कोई लगातार 3 बार पजूजू का नाम लेता था तो वह उस व्यक्ति के विचारों को पढ़ने में सक्षम हो जाता था। इसके बाद अपनी चाहना पर वह उनके सामने प्रकट होता था और उन्हें अपना कर्जदार बनाने के लिए उनकी इच्छाओं को पूरा कर देता था, पर इन सभी की कीमत बेहद ज्यादा होती थी। पजूजू इन टैक्टिक्स का इस्तेमाल पूरे समुदायों में अपना प्रभाव फैलाने के लिए करता था। कई दुष्ट उड़ने वाले प्राणियों में भी उसके कई वर्शिपर्स थे, जैसे कि केंकू, हारपीस, गार्गोयल्स, मेंटिकॉर्स, वाइवर्न्स, फे और ड्रैगन्स। मगर यहां पर बता दूं कि सभी फे और ड्रैगन्स पजूजू के वर्शिपर्स नहीं थे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पजूजू को ओबिरिथ भी कहा जाता था, और एक ओबिरिथ के रूप में पजूजू की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उस विशाल शक्ति को व्यक्त करता है जिसके साथ वह कई डीमन रियलम्स पर राज करता था। एक ओबिरिथ वह दानव माना जाता है जिसकी उत्पत्ति इतनी प्राचीन है कि वह कुछ देवताओं की एग्जिस्टेंस से भी पहले मौजूद था। पजूजू उन कुछ ओबिरिथ में से एक है जिसके पास ह्यूमनॉइड आकार है।
माना जाता है कि और बाकी कई ओबेरिथ्स का आकार ऐसा होता है जिससे मॉर्टल इंसान समझ नहीं पाता। वास्तव में ऐसा माना जाता है कि एक ओबेरिथ की छवि को देखकर एक मॉर्टल पागल हो सकता है। लिखितों में ये भी लिखा है कि मूल रूप से कई ओबेरिथ थे, मगर आधुनिक दुनिया में केवल 12 ही जीवित रह पाए। बाकी अपनी वास्तविकता के विनाश और अब्बिस के परिणाम स्वरूप हुए युद्धों के शिकार बन गए थे। पाजूनिया अब्बिस की एक उजाड़ परत है। यह क्षेत्र सूर्य और चंद्रमा से रहित है, लेकिन फिर भी वहां पर एक नारंगी रंग का प्रकाश है जो उस बंजर भूमि को रोशन करता है। जमीन जंग लगी धातुओं से ढकी हुई है जो समय के साथ उखड़ गई है और आसानी से बिखर गई है। पाजूनिया के अधिकांश इलाके अब्बिस की इस परत में युद्ध छेड़ने वालों के रक्त, पित्त और अंतड़ियों से भरे पड़े हैं। पाजूनिया को असुविधाजनक रूप से ठंडे तापमान के लिए भी माना जाता है, हालांकि मौसम अभी भी मॉर्टल्स और डीमंस द्वारा सम्मान रूप से सहन किया जा सकता है। कहा जाता है कि पाजूज़ू के मंदिर और घर चरम स्थानों पर बने हैं जहां केवल उड़ान भरने में सक्षम क्रीचर ही पहुंच सकते हैं। थारिजुन एक देवता था जो शक्ति के लिए भूखा था, मगर उसे अन्य देवताओं के द्वारा रोक दिया गया था। पावर की तलाश में वह शुद्ध बुराई से बने एक शार्ट पर आया। इस शार्ट को थारिजुन के लिए एक जाल के रूप में ओबेरिथ्स के द्वारा बनाया गया था, जो एक मर रही दुनिया के अंदर फंस गए थे। जैसे ही उसने शार्ट को छुआ, उसका मन और आत्मा ओबेरिथ द्वारा करप्ट कर दी गई और वह पागलपन से भर गया। जैसे कि अक्सर अनुमान लगाया जाता है कि पाजूज़ू इस योजना का निर्माता था और उसे अक्सर थारिजुन की आत्मा को भ्रष्ट करने का श्रेय दिया जाता है। ओबेरिथ ने थारिजुन को एस्ट्रल सी में बुराई का बीज बोने का आदेश दिया और उसे नए क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण का वादा किया, जो उसके सहयोग के बदले में बनाया जाना था। अपने पागलपन के बीच में थारिजुन ने यह महसूस किया कि इस साजिश में ओबेरिथ का साथ देने से अन्य देवता उसके खिलाफ हो जाएंगे, इससे पहले कि वह उस शक्ति का दावा कर सकता जिसका ओबेरिथ ने उसे वादा किया था। वह जान चुका था कि यदि वह उनकी योजना का पालन करता तो वह नए प्रभुत्व पर शासन करने वाला नहीं होता। इसकी बजाय थारिजुन ने एक ऐसी योजना तैयार की जिसके साथ वह एक नए क्षेत्र का निर्माण करता, जिस पर वह कुल नियंत्रण बनाए रख सकता था। इस दुनिया को जब्त करने की उम्मीद में वह बुराई के बीच को एटर्नल केओस, जिसे फॉरगॉटन एक्सपेंस कहते हैं, के अंदर ले गया। जब उसने बुराई का ये बीज बोया तो वह अंत अब्बिस के रूप में जाना जाने लगा। थोड़े समय के लिए उससे वह शक्ति प्रदान कर दी गई जिसकी उसे सख्त लालसा थी। आखिरकार अन्य देवताओं ने थारिजुन के इस नए खतरे को पहचान लिया और भगवान को कैद करने के लिए चल पड़े। उसे एक अन्य ब्रह्मांड के अंदर बंद कर दिया गया जिसे वॉइड हैरो के नाम से जाना जाता था, ताकि वह इस दुनिया को नुकसान ना पहुंचा सके। फिर भी उसे वहां पर उसकी सारी शक्तियों के साथ छोड़ दिया गया था। माना जाता है कि थारिजुन को बड़े पैमाने पर उस पागलपन से नियंत्रित किया गया जो उसमें पाजूज़ू के दुष्शाट द्वारा प्रत्यारोपित किया गया था। लेकिन कहा जाता है कि उसके पास ल्यूसिडिटी के स्मॉल पीरियड्स थे जिसका उपयोग वह वॉइड हैरो से भागने की साजिश के लिए करता है। एस्मोडियस को मूल रूप से एस्ट्रल सी में रहने वाले लॉफुल गॉड्स का एक वफादार सेवक माना जाता था। एस्मोडियस और उसके साथियों को अबिस में रहने वाले डीमन से लड़ने और उन्हें एस्ट्रल सी में प्रवेश करने से रोकने के लिए बनाया गया था, ताकि देवता अन्य दुनिया और प्राणियों को बनाने पर ध्यान केंद्रित कर सके। अरबों वर्षों की अवधि के बाद एस्मोडियस और अन्य प्रोटेक्टर्स उन डीमंस के प्रभाव से भ्रष्ट होने लगे जिनसे वह लड़ रहे थे। ऐसा माना जाता है कि एस्मोडियस की करप्शन के लिए पाजूज़ू खुद जिम्मेदार था, जिसने उसे सत्ता का एक विचार पेश किया जिससे दूर होना असंभव था।
इस सभी के बाद एस्मोडियस को बनाने वाले देवताओं ने उस पर मुकदमा चलाया और मांग की कि वह ऊपरी खंड को छोड़ दे। देवताओं को यह डर था कि वह एक दुष्ट प्राणी बन गया है। हालांकि पाजुजू ने एस्मोडियस को अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया था, जिसकी वजह से एस्मोडियस अपनी सफाई देने में कामयाब रहा, जिसने उसे कुछ समय के लिए ऊपरी खंड में रहने की अनुमति दी। जब इंसानों को आखिरकार बनाया गया, तब डीमंस ने उन पर और साथ ही ऊपरी खंडों पर हमला कर दिया। एस्मोडियस और उसके साथी प्रोटेक्टर्स को मनुष्य की रक्षा के लिए भेजा गया था, लेकिन वे ऐसा करने में असमर्थ रहे क्योंकि मनुष्य ने देवताओं के आदेशों की अवहेलना जारी रखी और अबिस का पता लगाने का प्रयास किया। देवता अपनी रचनाओं की अवज्ञा से परेशान थे और उनकी अवज्ञा को नहीं समझ सके। एस्मोडियस ने उन्हें बताया कि मनुष्य से अपनी इच्छा के इन क्षेत्रों से बचने की उम्मीद नहीं की जा सकती है और आज्ञाकारी होने के लिए प्रोत्साहन के साथ धमकी दी जानी चाहिए। इस अधिनियम के माध्यम से कहा जाता है कि एस्मोडियस ने दंड की अवधारणा का आविष्कार किया था। एस्मोडियस ने तब देवताओं को एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मना लिया, जिसने उसे बाटोर के प्रीत्यक क्षेत्र पर कब्जा करने की अनुमति दी और वहां पर वह दुष्ट नश्वर लोगों की आत्माओं को दंडित करने लगा जिन्होंने देवताओं की अवहेलना की। और इसी के साथ उसने अबिस के डीमंस के प्रति अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा को पूरा करने का प्रयास भी किया। शक्ति बनाए रखने के लिए उसने सुझाव दिया कि उसे इन मनहूस प्राणियों की आत्माओं से जादुई ऊर्जा निकालने की अनुमति दी जाए। ये ऊर्जा उसे ईश्वर से शक्ति लिए बिना मनुष्य को सबक सिखाने के लिए प्रत्याप शक्तिशाली होने के लिए काफी थी। अब तक एस्मोडियस एक पूरी तरह से डेमोनिक एंटिटी बन चुका था। हालांकि पाजुजू की मदद से वह देवताओं के पता लगाने से बचने में सक्षम था। वह उसके समझौते, जिसे पैक प्राइमवल के रूप में जाना जाता है, के लिए सहमत हुए और उसे दुष्ट मनुष्य पर प्रभुत्व प्रदान किया गया। पहले तो देवता एस्मोडियस की योजना से प्रसन्न थे, लेकिन अंत उन्होंने महसूस किया कि कम और कम नश्वर आत्माएं अपने जीवन काल में ऊपरी खंडों पर चढ़ रही थी। तब उन्हें पता चला कि एस्मोडियस ने उनके खिलाफ साजिश रची थी और जानबूझकर नश्वर लोगों को शाश्वत विनाश के लिए लुभा रहा था। यह स्पष्ट नहीं है कि क्या इस बिंदु पर देवता पाजुजू की मदद से अवगत थे या नहीं। हालांकि कई संकेत देते हैं कि एस्मोडियस और अन्य ओबिरिट्स के अलावा पाजुजू की भागीदारी के बारे में किसी को भी नहीं पता था। एस्मोडियस को ऊपरी खंड को छोड़ने के लिए कहा गया, मगर उसने स्वेच्छा से ऊपरी खंडों को छोड़ने से इनकार कर दिया था। इसीलिए उसे फोर्सफुली निचले खंडों में धकेल दिया गया और वह इतना घायल हो गया कि वह जख्म आज तक ठीक नहीं हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि वह अभी भी दुष्ट नश्वर आत्माओं से जादुई ऊर्जा का उपयोग खुद को ठीक करने के लिए करता है और अंत में ठीक होने के बाद वह ऊपरी खंडों का विनाश करेगा। माना जाता है कि वह अक्सर पाजुजू के साथ मिलकर साजिश रचता रहता है। जब पाजुजू एक युवा दानव था, तो उसे किसी भी डीमन या इवल एंटिटी की कंपनी को स्वीकार करने के लिए जाना जाता था, चाहे उनका मकसद कुछ भी हो। इसी लापरवाही के कारण उसका सामना डीमन लामाश्तु से हुआ। लामाश्तु को पाजुजू की प्रेमिका के रूप में जाना जाता है, हालांकि उसने ये सब पाजुजू को खुद के वास्तविक लक्ष्यों से विचलित करने के लिए किया था। एक बार जब उसने महसूस किया कि वह पाजुजू के काफी करीब हो गई है, तो उसने अपने प्यार में अंधे हुए पाजुजू को उसका असली नाम प्रकट करने के लिए कहा। उसने दावा किया कि अगर वह उतना ही शक्तिशाली है जितना वह होने का दावा करता है, तो उसका असली नाम प्रकट करने से उसकी शक्ति को कोई भी खतरा नहीं होगा। पाजुजू अभिमानी था और लामाश्तु की चुनौती के बारे में बहुत कम जानता था। उसने उसे अपना असली नाम बता दिया और लामाश्तु तुरंत उसके खिलाफ हो गई।
उसने उसके असली नाम के जादू का इस्तेमाल उसके रियालम पर कब्जा करने और उसे शक्तिहीन करने के लिए किया। वह सफल नहीं हुई, लेकिन उसने पाजूजू को भागने और छिपने के लिए मजबूर कर दिया था। पाजूजू लामाश्टू से क्रोधित हो गया और उसने अपना बदला लेने के लिए योजना तैयार की। उसने लामाश्टू को टेरेमोर अब्बिस की 503वीं परत में फुसला कर बुलाया। उसने लामाश्टू को टेरेमोर की तंग दरारों में घुसने के लिए उकसाया, जहां पर लामाश्टू का बड़ा रूप उसके लिए नुकसानदायक साबित हुआ। पाजूजू ने उसे यह सोचने दिया कि वह बचाव में जवाबी कार्रवाई करने की बजाय केवल लामाश्टू के हमलों से बचकर युद्ध को हार रहा है, और लामाश्टू को लगा कि लड़ाई के परिणाम उसके नियंत्रण में थे। और फिर हारा हुआ पाजूजू उसके मुंह के अंदर घुस गया। लामाश्टू ने खुद को विजयी समझा और तब तक आनंदित होने लगी जब तक उसे महसूस नहीं हुआ कि उसका एक दांत उसके जबड़े से उखाड़ दिया गया है। पाजूजू फिर वहां से उठा और लामाश्टू की खोपड़ी को फाड़ने के लिए उसी के दांत का इस्तेमाल किया और उसकी आंखों को फाड़ दिया। उसके बाद उसने उसके विश्वासघात के लिए टेरेमोर में उसे अनंत काल के लिए छोड़ दिया और खुद को फिर से पाजूनिया का राजा घोषित किया। इस सभी के बाद उसने अपने सभी मंत्रियों का वध कर दिया और अपनी रणनीति बदल दी। उस दिन से पाजूजू लापरवाह नहीं रहा और अबिस में सबसे कोल्ड और कैलकुलेटिंग डीमन होने के लिए जाना जाने लगा। पाजूजू एक बेहद बुद्धिमान दानव के रूप में जाना जाता है, जो हमेशा शुद्ध दिल के बीच अराजकता और भ्रष्टाचार पैदा करने की योजना बनाता रहता है। हालांकि ये कहा जाता है कि पाजूजू किसी भी आत्मा को भ्रष्ट कर सकता है जो खुद को उसके पास लाए, मगर उसे परम आनंद प्योर से प्योर सोल को भ्रष्ट करने में आता है, जैसा कि उसने एस्मोडियस को भ्रष्ट करने के मामले में किया था। यदि सम्मान के साथ संपर्क किया जाए तो पाजूजू को अक्सर परोपकारी प्रवृत्तियों के लिए जाना जाता है। हालांकि इसकी वजह यह है कि वह एक निर्दोष आत्मा को अपने एहसानों पर निर्भर बनाकर भ्रष्टाचार में फंसाने का आनंद लेता है। वह एक व्यक्ति के माध्यम से पूरे समुदायों को भ्रष्ट करने के लिए इस रणनीति का उपयोग करने के लिए जाना जाता है। यदि पाजूजू किसी भी सच्चे हितेशी कार्यों में सक्षम है तो ये केवल डीमन लामाश्टू के प्रयासों को विफल करने के लिए है। स्कॉलर जेरेमी ब्लैक के अनुसार मेसोपोटामिया में डीमंस का विकास कुछ ही सालों में इतना हो गया कि वह एनिमल्स को तंग करने से लेकर इंसानों को अन्य खतरे और मौत के सूचक के रूप में पहचाने जाने लगे। ब्लैक का दावा है कि पाजूजू इस विकास का एक अल्टीमेट एक्सप्रेशन है और वह इस प्रगति की एक सरल क्रोनोलॉजी प्रोवाइड करता है, जिसको कि 5 चरणों में बांटा गया है। इसके फॉर्मेटिव फेज की शुरुआत लेट ओबेद और उरुक पीरियड्स में हुई थी, जब विभिन्न जानवरों के फीचर्स को पहली बार अननेचुरल बीइंग्स के साथ जोड़ा गया था। इसके बाद आता है ऑप्टिमिस्टिक फेज, जो कि अकारियन पीरियड में सामने आया था, और इसमें हमें वैग्लिफिक सीन दिखाई दिए जब कई अति पापी डीमंस को पकड़ा गया और उन्हें दंडित किया गया था। तीसरा फेज था बैलेंस्ड फेज, जो कि ओल्ड बेबीलोनियन पीरियड में मौजूद था, और इस काल में कई ऐसे सिलेंडर सील डिजाइन जिनमें की कई मिक्स इमेजेस जो कि गॉड्स सिंबल्स और अन्य मोटिव्स को दर्शाती थी, जिससे कि हमें पता चलता है कि उस समय इंसानों के बीच कौन से अच्छे और बुरे क्रिएचर्स मौजूद थे। चौथा फेज था ट्रांसफॉर्मेटिव फेज, जो कि 14th से 11th सेंचुरी BC के मितानियन केजाइट और मिडल असीरियन आर्ट में दिखाई दिया था, जब ओल्ड बेबीलोनियन पीरियड में ह्यूमन सेंटर्ड इमेजरी में एनिमल हेडेड हाइब्रिड को शामिल किया गया था। पांचवा और आखिरी फेज था डेमोनिक फेज, जो कि नियो असीरियन और नियो बेबीलोनियन आर्ट में मौजूद था, और इस कला शैली में डीमंस को पूर्ण रूप से उनके आतंकी रूपों में चित्रित किया गया था।
विकास का ये अंतिम फेज फर्स्ट बीसीई में एक डेमोनिक आबादी वाले अंडरवर्ल्ड की नई थियोलॉजी से पूर्ण मेल खाता था। इसके अलावा ये बदलाव उसी समय हुआ था जब महलों और मंदिरों में इन प्रोटेक्टिव बींग्स के मॉन्यूमेंटल स्टैचूस और रेलिप्स को स्थापित करने की प्रथा शुरू हुई थी, और फाउंडेशंस में भी इन बींग्स की छोटी मिट्टी की छवियों को दफनाया जाता था। डीमंस के विकास का ये दौर मेसोपोटामिया के इतिहास में हेलेनिस्टिक पीरियड में अपने चरम पर था, और ये क्रिश्चियन पीरियड तक चलता रहा था। मगर इसके बाद क्रिश्चियंस को प्रोटेक्टिव डीमंस की जरूरत नहीं थी, और नए धार्मिक विश्वासों ने पहले की विश्वासों को खारिज कर दिया था। जब क्रिश्चियंस को सुमेरियन मिथ के बारे में बताया गया तो उन्होंने इन सभी मिथ्स के लिए एक अन्य वैकल्पिक कहानी बनाई। जैसे कि उनके धर्म में केवल एक ही बेनेवोलेंट गॉड था, इसीलिए बाकी सभी डेमोनिक स्पिरिट्स को पूर्ण रूप से ईवल एंटिटीज के साथ जोड़ना जरूरी था, और जिनका की एकमात्र उद्देश्य परमेश्वर की सेवा करने वालों को भ्रष्ट करना था। इसी के साथ डीमंस और पुराने देवी देवताओं के लिए क्रिश्चियन गॉड के हेवन में कोई जगह नहीं थी, इसलिए उन्हें क्रिश्चियन हेल में स्थानांतरित कर दिया गया था। द न्यू टेस्टामेंट के द गॉस्पल में भी जीसस क्राइस्ट को नियमित रूप से विभिन्न लोगों में से डीमंस को निकालते हुए दिखाया गया है, और ऐसा ही द बुक ऑफ एक्ट्स, रेवलेशन और अन्य कई लिखते भी डीमंस को भगवान के विरोधी सैतान के फॉलोअर्स कहती हैं। वे पाजुजू को लूसीफर के राइट हैंड मैन के रूप में मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि दोनों ने परमेश्वर को उखाड़ फेंकने की साजिश रची थी, मगर वे असफल रहे और सजा के रूप में उन्हें हेवन से बाहर निकाल दिया गया। और इसी प्रकार से पाजुजू को एक फॉलन एंजल के रूप में देखा जाने लगा, और वह एक डीमन में तब्दील हो गया था। द न्यू टेस्टमेंट के जॉन 1 के अध्याय 4 वचन 1 में भी लिखा है कि इंसान को हर एक स्पिरिट की परख करनी चाहिए कि वह परमेश्वर की ओर से आई है या नहीं, और यदि नहीं है तो उसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। हालांकि क्रिश्चियन इंटरप्रिटेशन ने पाजुजू के बारे में मॉडर्न डे पर्सपेक्टिव को सीमित कर दिया है, मगर फिर भी ये सुमेरियन डीमन अपने समय का एक पावरफुल और रिस्पेक्टेबल डीमन था। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। हाउ वॉज इट, टेल मी थ्रू योर कॉमेंट्स। और आप डीमंस के बारे में क्या मानते और जानते हैं उसके बारे में मुझे जरूर बताइएगा। और अब मैं आपको जल्द ही मिलूंगा एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए एंजॉय करें मेरी अन्य वीडियोस को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग, आई सैप, स्टे ब्लेस्ड।